तो आज मेरी खुशी की वजह ये है कि आज हम जा रहे हैं नर्सरी खाद लेने और पौधे लेने, जो कि बहुत दिन से ओवर ड्यू चल रहा था। तो आज फाइनली साइट निकल आई है, तो प्लांट्स लेने हैं और खाद लेनी है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। खाना मत दे कोई मुझे, लेकिन मुझे प्लांट्स बहुत सारे देता रहे। तो आज देखो कौन कौन से प्लांट्स लाते हैं। पहुंच चुके हैं हम लोग नर्सरी, जो कि जीटी रोड पे है, और यहाँ पहुंच के देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो एक और जन कोई गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं और ट्रॉली में लेके जा रहे हैं प्लांट्स। तो दूसरों की खुशी देख के भी बहुत खुशी होती है। देखो जो स्कूटर में आए हैं वो स्कूटर में ही लेके जा रहे हैं, और इतना बढ़िया कलेक्शन है यहाँ पे प्लांट्स का, बहुत ही खूबसूरत। हल्की गुलाबी ठंड में और धूप में तो नर्सरी का और मज़ा दुगना हुआ जा रहा है। चारों तरफ इतनी हरियाली देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुशी हो रही है। मैं तो कह रही हूँ अगर कोई मुझे नौकरी दे दे यहाँ नर्सरी में, तो मैं तो यहाँ जॉब कर लूँ, इतना मुझे प्लांट्स पसंद हैं, इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया। देखो आप सब भी देखो कितने बढ़िया से पौधे हैं यहाँ पे, और तितलियाँ भी खूब उड़ रही हैं यहाँ पे, तो और अच्छा लग रहा है। ये है पॉइनसेटिया की वैरायटी, रेड भी है यहाँ पे, पिंक भी है और वाइट भी है। आजकल क्रिसमस में तो इसकी बड़ी धूम रहती है, तो बहुत सारे पौधे देख के बड़े अच्छा लग रहा है। लाल लाल सब खिले हुए हैं पत्तियाँ, और ये और ओवरव्यू पूरा नर्सरी का। और सक्यूलेंट्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, सक्यूलेंट्स भी मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास ग्रो नहीं हो पाते हैं ज़्यादा। और इधर ये क्रोटन्स, सभी कुछ है, नर्सरी है तो सभी कुछ है ही है यहाँ पे, बस आपको जो चाहिए वो आप छांटो इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। धूप वाले, छाँव वाले, इंडोर आउटडोर सभी प्लांट्स हैं। और ये एडीनियम के तो आप डोरमेंट में चले जाते हैं अब जाड़ों में, और बहुत ही खूबसूरत से टोपियारी भी हैं यहाँ पे। और ये और एडेनियम कितने बड़े बड़े इनके कॉडेक्स हैं, तो बहुत खूबसूरत। और ये छिपकली बेल पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, मॉन्स्टेरा, बहुत ही बिल्कुल मॉन्स्टर रूप में ही है मॉन्स्टेरा ये। और एक गमले में इतने बड़े स्नेल्स भी मैंने पहली बार देखे, जो कि बहुत ही स्लो मूविंग थे लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहे थे देखने में। लेकिन ये स्नेल्स बस देखने में ही क्यूट लग रहे हैं, ये प्लांट्स को बहुत हार्म करते हैं, तो इसलिए अगर आपके गमलों में भी हो तो उनको हटा दीजिएगा। और फिर ज़रूरत भर के पौधे और खाद मैंने भी ले ली। नेक्स्ट डे मैंने सबेरे मॉर्निंग में ही गया भैया को बुला लिया था कि खाद वगैरह सब मिट्टी तैयार करने के लिए। मिट्टी तो मैंने पहले ही गमलों से निकाल के रख ली थी सब छांट छूट के, उसके बाद खाद गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों लाके इसमें मिला लिया था। जितनी मिट्टी थी उतनी ही कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और उतनी ही गोबर की खाद मिला के मिट्टी तैयार हो गई, तो फिर बढ़िया सा इसका देखो कलर ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। और सारे पौधे गया भैया ने लगा दिए, तो ये मॉन्स्टेरा एक बड़ा सा देख के, मॉन्स्टेरा बहुत पसंद है मुझे तो हम भी लेके आए थे ये, तो इसको भी लगा दिया। अच्छी जड़ें हैं और इसके मॉस्टिक के ऊपर इसको चढ़ा दिया है, तो ये मेरी पूरी जो पौधे लाए थे सारे लग गए हैं। अब इनको दो दिन तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, जड़ पकड़ लें, तब तक यहीं रखेंगे, उसके बाद फिर अपनी अपनी जगह सबको सेट करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने पिटूनिया ही लिए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, क्योंकि बालकनी में ज़्यादा धूप आती नहीं है, लेकिन पिटूनिया जो है वो अच्छा चल जाता है, तो पिट्यूनिया भी चल जाता है। और सेल्विया लिया मैंने, सेल्विया आपकी से मैंने दो कलर का लिया है, रेड और ये ऐसे पर्पलिश जैसा। बाकी सब मैंने ग्रीन फोलियज के प्लांट्स ही लिए। ये मॉन्स्टेरा लिया, उससे पहले स्पाइडर प्लांट देखा आपने, ये एक पाम की वैरायटी ली है, और ये फिलोडेंड्रॉन, और ये भी इसका कुछ नाम मैं भूल गई, ये लेमन ग्रास भी लिया आपकी से मैंने, और साथ में फॉक्स टेल फर्न लिया है, और ये एक और प्लांट छिपकली बेल की कटिंग मैं ऐसे ही ले आई थी, तो इसको लगाया कि शायद चल जाएगा ये, तो अभी तो सूख गई है, देखो चल जाए तो अच्छा ही है। तो ये है बालकनी मेरी अभी, जो कि यहाँ पे सारे प्लांट्स लगाने हैं, रखने हैं। तो ये हालांकि दो बार इसका मेकओवर कर चुके हैं, वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो एक बार फिर से ये मेकओवर करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब इसमें सीजनल जाड़े के फूल लगाएंगे,
और जो प्लांट्स लाए हैं और वो लगाएंगे, तो यहाँ से वहाँ तक पूरा और प्लांट्स ही प्लांट्स भर जाने वाले हैं। और ये रेलिंग के बाहर भी मैंने ये लगाया हुआ है, तो ये बाहर से देखने पे बड़े अच्छे लगते हैं। ट्रेडस्केंशिया है ये, और ये मेरे प्लांटर्स जो कि वॉल माउंटेड है, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। ये एक आर्टिफिशियल ट्रेलिस जैसा ये मैंने पहले लगवा लिया था, तो थोड़ा सा बालकनी में ग्रीनरी, ये आर्टिफिशियल ही है पूरा, और जो इसमें लकड़ी जैसा वुड फिनिश है ना, वो भी एक्चुअली प्लास्टिक ही है, तो फिर ख़राब नहीं होगा बारिश वारिश में भी, तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने लगवा लिया है यहाँ पे। मैक्रम का प्लांट होल्डर भी टांगा है कि यहाँ पे, तो एक बार फिर से बालकनी मेकओवर के लिए तैयार हो जाइए, बढ़िया सा बिल्कुल डिफरेंट। एक बार फिर बालकनी, इसी बालकनी को फिर से डिफरेंटली सजाने वाली हूँ। तो अब से पहले मेरी बालकनी कुछ ऐसी दिखती थी, ये मेकओवर किया था मैंने। ये है दिन का व्यू और इसके बाद देखिएगा रात का व्यू। तो नियॉन लाइट्स के साथ रात में बिल्कुल पार्टी वाला बहुत ही बढ़िया लुक आता था। और इस पे कवर से भी पहले मेरा बालकनी गार्डन मैंने कुछ इस तरह से सजाया था, तो कितना डिफरेंस है ना। और इस बार बिल्कुल नया तीसरी तरह से कुछ मैं अपना बालकनी सजाऊंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।